हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पावरफुल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है फ्लिपकार्ट पर जो डेबिट कार्ड से ईएमआई ले सकता है, ईएमआई का फुल डिटेल्स फुल प्रोसेस बताऊंगा। ईएमआई कैसे लेना है, ईएमआई का एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है, ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, ठीक है। आप हम इस वीडियो में बताऊंगा ईएमआई का फुल डिटेल्स, ईएमआई से कैसे एलईडी टीवी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज कैसे आप ले सकता, लैपटॉप ईएमआई का थ्रू कैसे आप सकता फ्लिपकार्ट के थ्रू। फ्रेंड्स, आपको वीडियो का पूरा देखो। सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, ईएमआई मतलब होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, सामान मासिक किस्ती जो आप ले सकता फ्लिपकार्ट का थ्रू। डेबिट कार्ड आपको पास कोई भी एक बैंक का एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड होगा तो आप ले सकता। फ्रेंड्स, कौन कौन बैंक का यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, कौन कौन बैंक पर ये मतलब इंस्टॉलमेंट ईएमआई देता है फ्लिपकार्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर चार बैंक पर इंस्टॉलमेंट और ईएमआई देता है फ्लिपकार्ट। यहाँ पर आपको पहली बैंक जो एक्सिस बैंक मिल जाता, दूसरा है एचडीएफसी बैंक, स्क्रीन के ऊपर देख सकता, तीसरा है एचडीएफसी बैंक हो गया, तीसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, चौथा है एसबीआई बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये चार बैंक पर आपको इंस्टॉलमेंट और ईएमआई फ्लिपकार्ट दे रहा अवेलेबल है, अभी अवेलेबल है। उसके लिए क्या करने, सबसे पहले जाओ फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पर, ठीक है फ्रेंड्स। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन हम ओपन कर ले, स्क्रीन का ऊपर देखो। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करने है डेबिट कार्ड ईएमआई, ठीक है। डेबिट कार्ड ईएमआई सर्च करने के बाद आपको जो फुल डिटेल्स यहाँ पर नाउ ईएमआई इवेंट, इसके ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो आपको फ्लिपकार्ट का ईएमआई मिलेगा, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी चेक करने, मतलब आपको जो डेबिट कार्ड पर मिलेगा, आपको जो डेबिट कार्ड आपको पास है उस डेबिट कार्ड का मिलेगा ईएमआई, उसके लिए एलिजिबिलिटी चेक करने। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो ईएमआई का यहाँ पर बोल रहा 57575 पर एक मैसेज करने है आपको, उसके बाद आपको पता लग जाएगा जो आपको डेबिट कार्ड ईएमआई के एलिजिबल है कि नहीं। फ्रेंड्स, उसके लिए इस नंबर पर आपको जो एसएमएस वाला एसएमएस हम दिखा दूंगा, पहले आपको इस नंबर पर एसएमएस करना है, क्या DCEMI करके लिख के SMS करना है। चलिए फ्रेंड्स, इसको तो डिटेल्स देख लिया, चार बैंक यहाँ पर अवेलेबल है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो चार बैंक यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। कैसे आपको SMS करना है, आपको चेक करना है, आपको डेबिट कार्ड पर EMI मिलेगा, फ्रिज टीवी, LED टीवी, फ्रिज मोबाइल, लैपटॉप कोई भी EMI से आप ले सकता। उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जाना है मैसेज कर। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो हम सबसे पहले यहाँ पर मैसेज ओपन कर लेता। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मैसेज ओपन कर लिया। मैसेज बॉक्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो प्लस वाला बटन है इसके ऊपर कर देने क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नंबर दे रहा जो 57575 जो नंबर है यहाँ पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखना है DC कैपिटल लेटर में लिखना है DCEMI। लिखने के बाद आपको जो नंबर पर बैंक में रजिस्टर्ड है ATM का जो नंबर पर है उस नंबर पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। आपको मोबाइल पर दोनों सेम हो सकता, लेकिन जिस नंबर पर आपको बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर पर SMS कर देना है। करने के बाद फ्रेंड्स एक SMS आ जाएगा आपको डेबिट कार्ड एलिजिबल है कि नहीं। फ्रेंड्स देखिए, SMS सक्सेसफुल हो गया, होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से एक SMS आ गया। यहाँ पर देखो SMS को ओपन कर रहा, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकता है यहाँ पर क्या लिखा, एलिजिबल है कि नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला सॉरी, यू आर कार्डली नॉट एलिजिबल अवेलेबल EMI, आपका जो डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड पे EMI एलिजिबल नहीं है। EMI एलिजिबल करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, वो भी बता दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो का पूरा देखते रहना। सबसे पहले आपको चेक कर लेना। चेक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको एलिजिबल नहीं होगा तो आपको क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई भी एक प्रोडक्ट आप ईएमआई में लेना चाहते हैं तो उस लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो डेबिट कार्ड है उसके लिए फ्रेंड्स एलिजिबल कैसे होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको बैंक पर कॉन्टैक्ट करना है। एलिजिबल पहले चेक करना है, नहीं होता तो बैंक पर कॉन्टैक्ट करना है, कैसे कैसे एलिजिबल हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ हम ए टू जेड प्रोसेस डिटेल्स सब कुछ जान के आपको बोल रहा एलिजिबल कैसे होता है। आपको जो डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड पर मतलब बैंक के तरफ एलिजिबल करता है, बैंक एलिजिबल करेगा तो आप एलिजिबल होगा, क्योंकि बैंक पर आप ज़्यादा मनी ट्रांजैक्शन मतलब मनी विड्रॉ करेगा, मनी डिपॉजिट करेगा तो वो एलिजिबल होगा, क्योंकि आपको बैंक पर 1000-2000 ट्रांजैक्शन होता तो उसके लिए आपको एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि एक मोबाइल का दाम बहुत 10,000-12,000, उसके लिए आपको बैंक का जो ओल्ड हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बैंक वो चेक कर रहा है।
चेक करने के बाद आप एलिजिबल होगा तो एलिजिबल कर देगा, और नहीं होगा तो यहाँ पर एसएमएस आ जाएगा जो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहले एसएमएस करने है, और एलिजिबल नहीं है तो आपको बैंक पर जाना है, आपको बोलना है कैसे हम एलिजिबल हो सकता, वो ए टू जेड डिटेल्स आपको समझा देगा। तो दोस्तों कैसे आपको ईएमआई से प्रोडक्ट लेना है फ्लिपकार्ट से, चलिए हम ए टू जेड लाइव दिखा दूंगा वो प्रोडक्ट कैसे ईएमआई से ले सकता है। टीवी, फ्रिज, एलईडी टीवी, मतलब जो मोबाइल, लैपटॉप, वो बहुत सारा चीज यहाँ से ले सकता है। आप एलिजिबल होगा तो आपको कैसे लेना है वो देखो लास्ट तक। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक मोबाइल ईएमआई का थ्रू कैसे लेना है हम आपको दिखा देना। फ्रेंड्स रेडमी नोट 7 इसको ऊपर कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसको प्राइस लगभग 10,000 का आसपास है। ठीक है, इसको ईएमआई में हम लेना चाहते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स इसको ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको क्या किया, यहाँ पर देखिए इसको प्राइस है 10,000 का आसपास। ठीक है, जो बता दिया आपको यहाँ पर ईएमआई के लेने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब आपको जो ईएमआई है यहाँ पर नो कॉस्ट होता और ईएमआई कॉस्ट, मतलब थोड़ा कुछ इंटरेस्ट लेता और आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नो कॉस्ट ईएमआई होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा नो कॉस्ट ईएमआई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मंथली कितना देना होगा फ्रेंड्स इसको ऊपर कर देने क्लिक। आपको ईएमआई लेने के लिए ईएमआई फॉर्म मंथ इसको ऊपर कर देने के लिए क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सामने इंटरफेस आ जाएगा ईएमआई कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो चार बैंक आपको बताया उस बैंक का डेबिट कार्ड होगा तो आप ले सकते हैं, एलिजिबल होगा तो पहले चेक कर लेना है, उसके बाद एलिजिबल होगा तो कैसे लेना है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको जो बैंक पर ईएमआई लेना है उस बैंक सिलेक्ट करें, एक्सिस बैंक हम सिलेक्ट करें। करने के बाद देखो फ्रेंड्स इसको मोबाइल का प्राइस है और जो 9,700 आसपास का है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इस ईएमआई 3 मंथ के लिए लेगा तो यहाँ पर आपको इतना देने पड़ेगा, आप 12 मंथ के लिए तो इतना देने पड़ेगा, जितना मंथ के लिए आप लेगा उतना इंटरेस्ट ज़्यादा देने पड़ेगा, मतलब आप जो 3 महीने के लिए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट देने पड़ेगा, ज़्यादा महीने के लिएगा तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देने पड़ेगा। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स आपको बैंक जाने, बैंक जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बाय नाउ इसको ऊपर कर देने के लिए ईएमआई लेने के लिए। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्पीक एंड कंटिन्यू इसको ऊपर कर देने के लिए क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको जो एड्रेस यहाँ पर एड्रेस देने बोलेगा, आप एड्रेस देगा, हम पहले से एड्रेस ऐड कर दिया। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो यहाँ पर ईएमआई के थ्रू आप लेगा तो यहाँ पर कंटिन्यू वाला बटन पर कर देने क्लिक। क्लिक करने के बाद ईएमआई के थ्रू कैसे ले सकता, आपको जो पास जो डेबिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड यहाँ पर लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना ही है, देखिए ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट इसको ऊपर कर देने क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सामने ऐसे इंटरफेस आ जाएगी, यहाँ कंटिन्यू कर देना है, ईएमआई सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देना। ठीक है, करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ईएमआई आप चार बैंक से ले सकते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक और जो एसबीआई बैंक, वो चार बैंक से लेना है। जो बैंक आप यहाँ पर अवेलेबल है, हम आईसीआईसी बैंक से लूंगा, उसके लिए आईसीआईसी बैंक पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आप कितना मंथ के लिए ईएमआई लेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हम सपोज 3 मंथ के लिए ईएमआई लूँगा, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इंटरेस्ट 12.99% देगा, जितना मंथ आप एक्स्ट्रा लेगा मतलब 24 मंथ लेगा तो यहाँ पर 14.99 इंटरेस्ट देने पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देने पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो उसके बाद यहाँ पर हम 3 महीने सिलेक्ट किया, 3 महीने के लिए लूँगा, उसके लिए किया सिलेक्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू वाला बटन पर कर देने क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आपको जो पास डेबिट कार्ड है आईसीआईसी बैंक का, आपको जो बैंक आप सिलेक्ट किया उस बैंक का डेबिट कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर नंबर देना है, यहाँ पर मंथ और वैलिड डेट देना है, यहाँ पर मतलब वो जो सीसीवी नंबर डेबिट कार्ड का वेबसाइट पर होता वो देना है। देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कंटिन्यू वाला बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू वाला बटन पर क्लिक करने के बाद आपको डेबिट कार्ड पर जो नंबर रजिस्टर्ड है, मतलब आपको बैंक पर जो नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को कर देना है फिलअप। करने के बाद आपको 1 सेकेंड के अंदर एसएमएस आ जाएगा जो आपको ईएमआई सक्सेसफुली क्रेडिट हो गया, मतलब आपको जो मोबाइल है वो मोबाइल 2 से 4 दिन का अंदर आपको घर पर आ जाएगा, और आपको जो यहाँ पर मंथ कितना रुपीस यहाँ पर चार्ज कट रहा, मतलब वो यहाँ पर देखो बैग जाओ, बैग जाने के बाद यहाँ पर मंथ कितना देने होगा, यहाँ पर जो 3,328 रुपीस पर मंथ आपको बैंक से काट लेगा, कौन, जो आपको जो बैंक का जो पासबुक है उस पासबुक से बैंक खुद काट लेगा, क्योंकि जो ईएमआई होता है बैंक खुद देता है, मतलब जो मोबाइल आप परचेस किया उस जो मोबाइल कंपनी का बैंक के तरफ से पूरा जो रुपीस हुआ था 9,000 पे कर देता है, और बैंक आपको पास थोड़ा थोड़ा करके आपको महीने में ले लेगा। और कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करो, क्योंकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।